मैं कर्नल सिंह और मुझे सोचने दो, तुम दोनों में से मेरा मोटू कौन है जिसको मैं बचपन में फौज की कहानियाँ सुनाया करता था? अरे फौजी अंकल, आप मुझे बचपन में फौज की कहानी सुनाते थे। आपका मोटू मैं हूँ और ये है मेरा दोस्त पतलू। पतलू, ये है मेरे फौजी अंकल। नमस्ते, बैठिए अंकल जी। अरे ये तो गंदी है, धूल तो साफ कर दो। ओह सॉरी सॉरी, मैं कुर्सी साफ करने में लगा था, कितनी धूल जमी थी। ये पतलू सफाई ठीक ढंग से करता ही नहीं। मोटू, तुम अभी तक गोलू के गोलू ही हो। मैं सोचता था बड़े होगे तो वजन कम हो जाएगा, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही हो। कल सुबह से एक्सरसाइज शुरू, मैं तुम्हारा वजन कम करके ही जाऊंगा। Come on, जवान, 30 सेकंड में तैयार हो जाओ, एक्सरसाइज करने चलना है। पतलू तुम भी जल्दी, रुको मत, फौरन, इट्स एन ऑर्डर। यस सर। लेटने का मन है? ओके ओके, देन लेटे लेटे क्रॉल क्रॉल करो, इट्स एन ऑर्डर। कम ऑन, फास्ट यू लेजी डक्स, फास्ट और फास्ट। पानी अंकल जी, पानी। कीप क्रॉलिंग, पानी भी मिलेगा फिनिश लाइन के बाद, लेकिन पानी तक पहुंचने के लिए फ्रॉग जंप करना होगा। कम ऑन जवान, फ्रॉग जंप शुरू करो। वो देखो छोटा सा फ्रॉग कितनी तेजी से जंप कर रहा है, और तुम दोनों इतने बड़े होकर भी कितने ढीले हो। कम ऑन फास्ट, और तेज। अरे अरे मेंढक भैया, क्यों हमारी जान निकलवा रहे हो? चल भाग यहाँ से। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सर। बड़े भैया बचा लो, मुझे मेरे फौजी अंकल से बचा लो। एक दिन में बदन के सारे अस्थि पंजर ढीले हो गए हैं। कुछ दिन अंकल अगर यहाँ और रहे तो क्या होगा? तुम दोनों चिंता मत करो, मुझे मेहमानों से पीछा छुड़ाने का 20 साल का तजुर्बा है। आज रात तुम्हारे फौजी अंकल का आखिरी रात होगा। हम भूत है, 20 साल पुराना भूत है। भूत अंकल जी, भूत। लोगों को डराने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। तुम लोग अंदर कैसे आ गए? खिड़की दरवाजे तो अंदर से बंद है। ओए हम भूत हैं, खिड़की दरवाजों की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही दीवार से पार हो जाते। मैं अंग्रेजों का जमाने का भूत हूँ, यहाँ नया आदमी कौन है? मुझे फूरफूरी नगर में नया आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। नया आदमी को हमारे हवाले कर दो। फौजी अंकल आप भाग जाइए, ये भूत बहुत खतरनाक है, ये फुरपुरी नगर में किसी भी नए आदमी को नहीं आने देते, आप जल्दी से भाग जाओ। फौजी कभी भागता नहीं, भगाता है। 3 और 3 में ही डंडा चलाएगा, 1 2 3। मार सुखिया पापड़ वाले नू।
जवान जवान 30 सेकंड में तैयार हो जाओ। पानी अंकल जी पानी। बड़े भैया बचा लो मुझे, मेरे फौजी अंकल से बचा लो। हेलो कर्नल सिंह, वॉर शुरू हो गई है, जल्दी से वापस फ्रंट पे आ जाओ, दैट्स एन ऑर्डर। ओके सर, अभी आया सर। सर मैं अपने साथ दो जवान भी ला रहा हूँ, वो बहुत बहादुर और मेहनती हैं। उनका नाम है मोटू पतलू। अभी अभी खबर मिली है कि वॉर खत्म हो गई है, फ्रंट पे आने की कोई जरूरत नहीं, इट्स एन ऑर्डर। खाली पेन मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पतलू जल्दी कुछ सोचो। आइडिया, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मोटू, तुम अपने करोड़पति अंकल से कहो फौरन यहाँ से चले जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन्हें रुपयों के लालच में किडनैप कर ले। मैं कल सुबह ही अपने करोड़पति अंकल को वापस भेज दूंगा। कल सुबह से पहले रात का अंधेरा छाएगा, जॉन द डॉन अंधेरे में तेरे अंकल को ले जाएगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। मोटू के अंकल इतना तो बताओ, रुपए कहाँ छुपाए हैं, मुझे भी तो दिखाओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, मोटू के अंकल को ले चलो। अंकल ये लोग बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं, आप जल्दी से भाग जाओ, फिर कभी यहाँ मत आना। अंकल भागो यहाँ से, मैं इन्हें रोकता हूँ। एक फौजी कभी भागता नहीं, भगाता है। कर्नल सिंह अटैक। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी से कुछ सोचो पतलू, वरना कल सुबह फिर एक्सरसाइज के लिए जाना होगा। निकला आइडिया। बॉक्सर भैया, बॉक्सर भैया, हमारे घर में कोई चोर आ गया है, आप क्या उसे मार पीट के भगा सकते हो। चोर की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पड़ोस में चोरी करने आए, उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चोर चोर, चोर, चल बाहर निकल। अंधेरे में कर्नल सिंह को देख के बॉक्सर ये नहीं समझ पाएगा कि ये चोर नहीं कोई फौजी है, और बॉक्सर की मार खा के फौजी अंकल सीधा घर भागेगा, देखना। बहुत दिनों बाद लड़ने में मजा आया। अरे फौजी अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका मोटू, बचपन में आप मुझे मोटू मोटू कहते थे, याद है। हा? तो ये दोनों कौन हैं? ये मेरे पड़ोसी हैं, मोटू पतलू। अरे मैं गलती से इनके घर चला गया और इन दोनों ने हमें ही लड़वा दिया। अरे इनकी इतनी हिम्मत, झूठ बोल के मुझे मेरे ही अंकल से लड़वा दिया, अब ये किसी को लड़वाने के लायक नहीं रहेंगे। मोटू अटैक। अरे तुमको नहीं, बॉक्सर को बोल रहे हैं, जान प्यारी है तो भागो। मोटू तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारे फौजी अंकल है।
अरे बचपन में मेरे घर में भी एक फौजी अंकल आते थे, मैंने सोचा ये वही है, भागते रहो अभी बात मत करो। अरे भाग कर जाओगे कहाँ, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, एक घूंसे मारूंगा याद रखोगे। अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।